आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए खशखाश वाले दूध की रेसिपी जो बहुत हेल्दी है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप इसका एक गिलास बनाकर पीजिएगा, इससे आपको बहुत सुकून की नींद आएगी, आपकी हड्डियों में पट्ठों में जो दर्द है उसमें भी आपको सुकून मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शाहजहां। मैं आपको शाहजहां सिस्टर किचन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही बहुत मजेदार टेस्टी यम्मी खशखाश वाला दूध, जिसके बहुत से फायदे हैं और ये बहुत ही गजाइत से भरपूर दूध बनेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ खशखाश वाला दूध बनाने के लिए मैं किन किन चीजों की जरूरत है। 1 टीस्पून मैंने खशखाश ली है, 1 टीस्पून मैंने पिस्ता पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इलायची ली है, 1 टीस्पून मैंने बादाम का पाउडर लिया है, 1 गिलास मैंने दूध लिया है, 2 टीस्पून मैंने चीनी लिया है। ये मैं 1 कप तैयार करने के लिए सामान लिया है सारा। खशखाश वाला दूध बनाना स्टार्ट, पहले दूध को बॉयल कर लेंगे। ये बहुत फायदेमंद है, 1 गिलास बनाकर आप इसे ज़रूर पीजिएगा। जिन लोगों को नींद नहीं आती इसके लिए भी बहुत फायदेमंद है, और जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, कमर दर्द होता है, खून की कमी है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत फायदेमंद है। ये अपने घर में जरूर आप ट्राई कीजिएगा खशखाश वाला दूध, ये दिमागी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है खशखाश वाला दूध, आँखों के लिए, कान के दर्द के लिए, खुशक जिल्द के लिए। दूध बॉयल हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप मेरी रेसिपीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज और लोगों तक भी पहुँच सके। आप वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो और परफेक्ट रेसिपी तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कीजिएगा। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों को बनाकर दीजिएगा, सबको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, ये बहुत मज़े का बनता है। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं उसके लिहाज से भी बहुत अच्छा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इलायची पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर। अगर आप शामिल करना चाहते हैं कर दें, वरना स्किप कर दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इलायची लोग पसंद नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खशखाश शामिल कर लेंगे। लहर माने पिस्ता शामिल कर लेंगे, पिस्ते का जो हमने पाउडर बनाया था। लहर माने बादाम का पाउडर शामिल कर लेंगे। इसमें जितनी भी हमने चीज़ें शामिल की हैं वो सब बहुत सेहत के लिए अच्छी हैं। ये देखिए दूध कितना अच्छा तैयार हो रहा है, खशखाश वाला। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है क्योंकि दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों बच्चों का दिमाग कमज़ोर होता है पढ़ाई में, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। अक्सर लोगों को सर दर्द की शिकायत रहती है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है खशखाश वाला दूध। ये दिमाग को कुव्वत देता है, हाफ़ज़े को तेज़ करता है, इसके कोई नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं खशखाश वाले दूध। इसे पी के इतने सुकून की नींद आती है कि आप इसे जब ट्राई करेंगे, आप बनाकर पियेंगे ना खशखाश वाले दूध को, आप खुद आपको पता लगेगा कि इसे पी के कितनी सुकून की नींद आई। बस 5 मिनट पकाएंगे, 5 मिनट बाद इसे फिर सर्विंग कप्स में डालेंगे। खशखाश वाला दूध तैयार है, अब इसको सर्विंग कप में डालेंगे। लहर मान ली,
बिस्मिल्लाह हमारी पिस्ता डाल देंगे गार्निश के लिए। खशकाश वाला दूध तैयार है। अगर आपको खशकाश वाले दूध की रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस खशकाश वाले दूध की रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।